दूसरा भी साया देखो, दिख रहा है क्या आपको? अच्छा पीस है अपनी रॉड। तीन मुंडी पे मारा हूँ दोस्तों, 1 किलो के साइज का होगा शायद से, देखते हैं। और दोस्तों ये नागपुर चार गांव का नाला है, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं फिशिंग करने, देखते हैं यहाँ पर क्या लगता है। तो ये पहला पीस लगता है मुझे, अच्छी खासी चराई मारने के बाद आधा एक घंटे बाद एक पहला पीस लगा है मुझको। दोस्तों वीडियो बनाने वाला कोई रहता नहीं है इसलिए स्टैंड पे लगा देता हूँ, अगर कोई एक बंदा साथ में रहे तो वीडियो प्रॉपर बनती है दोस्तों। ये स्टैंड में लगाने में बहुत सी वीडियो मिस हो जाती है। देखो दोस्तों अच्छे साइज का ही पीस है ये, 3 पाव का तो होगा, 1 किलो या 3 पाव का, अच्छा साइज है, पहला पीस लगा है। और ये 3 मुंडी पे मारा हूँ दोस्तों, चलो अब इसको अपन अपने नेट पे डाल देते हैं। नीचे रहा किधर पे, क्या लगा जरा देखने तुझे, क्या है रे मिर्गल है क्या? दोस्तों इस मिर्गल की वीडियो बन नहीं पाई, कैमरा दिखा थोड़ा सा पकड़ के दिखा, जैसे स्टैंड पे ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। अच्छा पीस लगा है दोस्तों, तो मेरा खेल अच्छा चल रहा था, मुझे एक के बाद एक मच्छी लगते ही जा रही थी, और बाजू में मेरा कंस मामा बैठा था, वो अपनी जगह से उठ के आकर मेरा खेल खराब करने आ गए थे और मुझे पूछने लगे क्या खेल रहा है, क्या चारा यूज कर रहा है, मुझे बता मुझे भी दे, और मेरे बाजू आकर बैठ गए और मुझे परेशान करने लगे, उनके वजह से सारा खेल मेरा खराब हो गया। और वो मेरे बाजू आके बैठ गए मच्छी खेलते हुए, पर देख सकते हैं उनको एक भी मच्छी नहीं लगा जब से वो आए, उनको और मुझे एक भी मच्छी नहीं लगा, तो एक नंबर के पनौती निकले। 1 से 2 घंटा हो गया फास्ट फॉरवर्ड करके रखा हूँ वीडियो, और एक मच्छी नहीं लगा और वो खुद वहाँ से भाग गए। उसी समय वहाँ पे पास वाला आ गया और पास वाले ने पास दिखाया मुझे, पर मैंने पास वाले को बोला भैया वहाँ पे मेरे पापा बैठे हैं उनको जाके पास दे दो, और उनको हिसाब से वहाँ से कल्टी करने के लिए बोल दिया कि उधर जाओ वहाँ से जाके पास ले लो, वो तुमको पास दे दे देंगे, और वो वहाँ से चले गया। देखो दोस्तों दूसरा भी साया देखो, दिख रहा है क्या आपको? अच्छा पीस है अपनी रॉड, 3 मुंडी पे मारा हूँ दोस्तों, 1 किलो के साइज का होगा शायद से, देखते हैं। और मछली कुछ ज़्यादा ही उछलने लगा दोस्तों, तो मैं सोचा नीचे अगर लेकर जाऊँगा तो डायरेक्ट पानी में गिर जाएगा, तो उसको डायरेक्ट वही फेंक दिया बाहर और जाकर नेट लेकर आ गया। कैसा बहुत से ऐसे हादसे हो चुके हैं, नेट में डालते डालते मच्छी नेट के बाहर निकल के सीधा पानी में चले जाती है। तो मैंने स्पॉट चेंज कर लिया हूँ, मेरे पप्पा बैठे हैं इधर साइड पे, मैं उस साइड पे आ गया हूँ अभी। वहाँ पे बारीक मच्छी बहुत तंग करने लगी थी दोस्तों, यहाँ पे भी जब मैं इधर आगे बैठा था तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक मिर्गल लगा दोस्तों मुझे, जिसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया, पर मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ, मेरा मेमोरी कार्ड पूरा फुल होने की वजह से बड़ी दिक्कत आई आज। ये फ़ोटो में देखिए मिर्गल निकालते हुए,
अच्छा बड़ा पीस था 1 किलो। अच्छा साइज है, ये मिर्गल है, दो मिर्गल है और ये दो रहु है, ये पंजल है, कल्पी लगी है, ये यहाँ का ये नाला है चार गांव का, अच्छे खासे पीस लगे देखो।